हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मिसाज वर्ल्ड चैनल में। और आज मैं अपने एक किचन की एक वीडियो बना रही हूँ और उसमें आप सबको अपने किचन के बारे में दिखाऊंगी भी, और कि मेरी किचन कैसी है। और ऊपर का तो नहीं अभी दिखाऊंगी मैं, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा हाइट की प्रॉब्लम है, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अभी आज मैं नीचे का ही दिखाती हूँ। तो ये मेरी क्रोकरी की अलमीरा है, इसमें मैंने सारे अपने कप, ग्लासेस, प्लेट्स, जो भी कांच की चीज़ें हैं वो चीज़ें सारी इसमें रखी हुई हैं। और इसके बाद ये चिमनी है, और चिमनी मेरी हैंडवेयर की है और अच्छी है, बढ़िया चल रही है। और इसके बाद फिर ये आ जाइए, इसमें मैंने ना पहले क्रॉकरी का ही रखा हुआ था ज़्यादा था, लेकिन कुछ सामान होते हैं ना नाश्ते के लिए, इसमें नमकीन है, बिस्किट्स वगैरह हैं, बार बार निकालने, बार बार रखने हैं, और मिक्सी जूसर, इनका दो तीन बार तो यूज़ किचन में होता ही है, तो बार बार निकालना पड़ता है। तो सामने रखी होती हैं, तुरंत निकाल सकते हो आप। और इसके बाद ये इसमें मेरे ऑयल के कंटेनर वगैरह रखे हुए हैं, सेफ्टी ग्लास के हैं, तो इनका थोड़ा टूटने का ना डर रहता है। ये इस तरह से हैं, और ये भी मैंने अमेज़ॉन से ऑनलाइन ही परचेज़ किए थे, तो हो गया, काफ़ी टाइम इनको हो गया है, एक साल से यूज़ कर रही हूँ मैं इनको, बहुत अच्छे हैं। और ये मेरा ऊपर टोस्टर है, और इसमें है मेरे गैजेट्स हैं, कुछ किचन के ही हैं टूल्स, जो इलेक्ट्रिक चॉपर है, इनका भी किसी दिन ना रिव्यूज़ आपको दूंगी मैं कि कैसे हैं क्या है। आज तो सिर्फ मैंने अपना किचन का ही एक बनाया है टूर। तो और ये हैं मेरे, अभी थोड़ा सा ना आगे पीछे हो रखे हैं, सेटिंग करती हूँ लेकिन फिर काम करती हूँ तो फिर हो जाते हैं। तो चलो अभी जैसा है ठीक है, आप देखिए अच्छे से मैनेज करूँगी। किचन है तो किचन में काम करते हैं ना हम, तो थोड़ा उथल पुथल तो रहता ही है कितना भी आप मैनेज करो, क्योंकि जल्दी जल्दी काम की जल्दी होती है, और भी सारी चीज़ें देखनी होती हैं, और मेरे पास मेड भी नहीं है इस समय, तो मुझे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। और ये है मेरे बर्तन रखने का रैक है, इसमें पहले मैंने आरओ का लगवाया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा आरओ तो बाहर भी एडजस्ट हो जाएगा, और डेली उसके बर्तन इसमें इजीली रख सकते हैं हम लोग। और ये है मेरा माइक्रोवेव, तो ठीक है इसको अच्छा यूज़, मतलब इसका रहता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने किचन में इसको यूज़ करते हो। और मेरा तो एक हाथ इसमें रहता ही रहता है, मेरा तो हर चीज़ तकरीबन ही ज़्यादा इसको यूज़ करती हूँ। और ये बास्केट है, इसे क्या है ना, बर्तन रख दो पानी नहीं फैलता है, ये मुझे हो गया 1 ईयर समथिंग यूज़ करते करते हो गया है, तो अच्छी है, अमेज़न से मंगवाई थी, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये इधर से किचन मेरी छोटी है वैसे, एरिया तो छोटा ही निकला है, पर जब बनने के बाद थोड़ा हो गया, अच्छा लुक निकल के आया है। और ये घी का है डिनर, और इसमें ना तारपीन का ऑयल मैंने रखा हुआ है, क्योंकि चिमनी वगैरह जब ज़्यादा थोड़ा चिकनाई वाली हो जाती है, तो मैं उसको 2-4 दिन में ही क्लीन उसमें किचन टावल में या कपड़े में लेके इसको क्लीन कर देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है। और ये टे और शुगर के कंटेनर हैं, और हाँ मैं नमक जो है वो साबुत नमक यूज़ करती हूँ, क्योंकि आजकल बीपी वगैरह की प्रॉब्लम तो आप समझ रहे हो, सब लोग की काफ़ी है प्रॉब्लम, तो नमक पिसा हुआ मार्केट से मैं नहीं लेती हूँ, मैं इसी को धो के सुखा के और इसी को पीस के भी रखती हूँ। तो बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है, आप ऐसा नहीं है कि भी मैं इसको यूज़ करती हूँ तो आप करो, लेकिन हाँ ये है कि कोई भी साबुत चीज़ है तो वो
उसमें मिलावट नहीं होती है, चीज़ फ्रेश है, आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और ये मैंने अभी अभी घी निकाला है तो थोड़ा गर्म है, इसको मैंने ढक्कन को खोल के रखा है, जैसे ये ठंडा होगा तो इसको मैं अंदर रख दूँगी। और ये हैं नीचे के बर्ड, तो इनमें भी मैंने, यहाँ पर मैंने ट्रे है और किचन के कपड़े हैं, क्योंकि मुझे किचन में ना कपड़े काफ़ी चाहिए होते हैं, मुझे कॉटन के भी हैं, माइक्रो फाइबर क्लॉथ्स भी हैं। और ये हैं, जैसे ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना, बास्केट में नहीं आते, तो मैं इसको बिछा के और इस पर बर्तन रख देती हूँ। ये भी मैंने अमेज़ोन से ही मंगवाया था। और इसके नीचे फिर अब चलिए, ये है मेरा, ये है ना, इसमें मैंने पापड़ रखे हुए हैं, क्योंकि पापड़ टूट जाते हैं तो इसमें रखे हुए हैं। और ये मेरे मसालों के जार हैं, थोड़ा सा अस्त व्यस्त हैं पर ठीक है, चलता है, क्योंकि जब आप अकेले ही सारा काम करते हो ना तो थोड़ी बहुत हो जाती है अतल पतल। और ये इसमें जो डेली का स्टोरेज वाला सामान होता है, जो बच्चों को चाहिए होता है, तुरंत निकाला और यूज़ किया है। इसमें छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सामान रखती हूँ, वैसे स्टोर में मैं ज़्यादा सामान अपना अलग रखती हूँ। हाँ, और इसमें मैंने कप हैं, माइक्रोवेव के बाउल्स हैं, और ये जो मतलब मुझे बहुत हैंडी चाहिए होते हैं सामान वो हैं। हाँ, ये मेरी माता रानी का भोग लगाती हूँ मैं, ये पीतल का गिलास है उनका, तो मैं इसको अलग रखती हूँ ताकि बच्चे ना इसको जूठा कर रहे हैं, या मैं साइड से इसको रखती हूँ कि जब मुझे चाहिए मैं तभी ले लूँ। और इसमें भी कांच के ही हैं बर्तन, कप्स वगैरह हैं जो डेली यूज़ के हैं। और ये कटलरी ट्रे है, तो इसमें रोटी रैप भी है और जो भी हैं डेली के सही होते, काफ़ी हो जाते हैं, हम लोगों को लगता है कि नहीं एक दो चीज़ें, लेकिन नहीं, किचन में काफ़ी चीज़ें रखती हैं। और ये इसमें बड़े बड़े बर्तन हैं, तो अभी क्या है, ये ऑयल कंटेनर है, मैंने मसाले ना जो डेली यूज़ के हैं ना वो इसमें रखे हुए हैं। हाँ, मैं इसमें भी रख सकती थी, लेकिन मुझे ये हैंडी रहते हैं, मैं ये तीन इसमें आ जाते हैं, 6 कंटेनर 7 कंटेनर्स आ जाते हैं, जो मुझे ये दिन में 2-3 बार मसाले चाहिए होते हैं, तो मैं तुरंत यही हाथ से निकाल लेती हूँ। नीचे जो है विनेगर की बोतल है, सॉस की बोतल है, उनको मैं नीचे रखती हूँ। और ये है थोड़ा, इसमें ना बड़े हो जाते हैं सिलेंडर है, और इसमें राइस रखे हुए हैं बड़े वाले कंटेनर में, और इसमें आटा रखा हुआ है, तो सिलेंडर भी रखा हुआ, चकला बेलन का स्टैंड भी है, वो भी है। और इधर आइए, ये कढ़ाइयाँ हैं, जो बड़े बर्तन हैं, जैसे कढ़ाई हैं, पतीले भगोने हैं, ये हैं, ये इसमें रखे हुए हैं। और नीचे आपको दिखाती हूँ मैं इसमें, हाँ इसमें मेरा चीनी स्टोरेज के लिए चीनी रखती हूँ, 10 किलो इसमें आ जाता है। और इसमें भी राइस हैं, क्योंकि हाँ ये राइस हैं, इसमें मैंने थोड़ी माचिस की तीली या तेज़पत्ता भी डाल रखा है, जिससे कीड़े नहीं लगते हैं। और जो यूज़ में नहीं आती है बॉटल, बच्चे अभी स्कूल वगैरह ले जाते हैं तब यूज़ में आती हैं, छुट्टियाँ होती हैं तो फिर साइड से इसको सुखा के दो वॉश करके रख देती हूँ। ये जग है, कम यूज़ होते हैं। और ये है सिंक के नीचे का जो है ना एरिया, इसमें बहुत चीज़ आ जाती हैं, इसमें क्लीनिंग का सारा ही रखा होता है सामान वगैरह, ये जो कम यूज़ होता है, ये स्क्रॉच बैग वगैरह है, गला का है, और गार्बेज बैग वगैरह है, वो भी मैं इसी में रखती हूँ। और भी हैं, जैसे स्टोरेज के मैं सामान लेके आती हूँ ना, विमवार वगैरह है, विनेगर है जो, और किचन क्लीनर है, ये सब इसी में रख देती हूँ, जिससे मैं तुरंत नीचे से निकाल के और यूज़ करूँ। और ये हाँ, इसके लिए ना जो पॉलीथीन वगैरह जो होती हैं, उसे मैंने ऐसे ही टांग रखा है, तो इसमें रख देती हूँ, ईजिली मुझे यहाँ से लिया और यूज़ कर लिया, एरो का पाइप है। और ये भी मैंने अमेज़ोन से ही मंगवाया था, तो ये कांच की बोतल है ना, कॉफ़ी की कांच की बोतल है, और इसमें एक जो ये मॉइस्चराइज़र वगैरह जो आते हैं उस तरह का, ये पम्प इसमें क्रीम में किसी में भी लगे, तो उसको निकाल के ना मैंने इसको एक DIY करके, और कांच की बोतल में विम लिक्विड, थोड़ा सा थिक होता है ज़्यादा, तो इसको थोड़ा हल्का सा पानी की इसमें
क्वांटिटी डाल के थोड़ा इसको कर लिया है नॉर्मल, जिससे आप आराम से इसको यूज़ ऐसे करके कर सकते हो। और ये किचन क्लीनर, ये तो इसके बिना तो रह ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि ना किचन मैंने ना स्टोन वाइट G5 लगवाया था, तो मुझे लग रहा था कि वाइट है मैनेज नहीं हो पाएगा, गंदा होगा, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। क्लीनिंग तो हमें सभी को करनी ही पड़ती है, ठीक है ना। वो तो दूसरा कलर भी लेते हैं हम, तब भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है कि भी क्लीनर वगैरह आप यूज़ कर लो, विनेगर। हाँ, मेरा विनेगर और बेकिंग सोडा तो मस्ट है किचन में, उसके बिना मेरा काम एक दिन नहीं चलता। और ये जो है ना, ये करवे का है, मुझे लगा पूजा का है, इसको हटाना ऐसे ठीक नहीं है, तो मैं कुछ दिन किचन में इसको, चाहे आप पानी भर के रख लो या इसमें थोड़ी मिट्टी रख के और इसमें कुछ यूज़ कर लो थोड़े दिन, उसके बाद फिर आप इसको हटा सकते हो। तुरंत अभी पूजा हुई और उसके बाद हम निकालते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। और ये चॉपिंग बोर्ड है, हाँ ये जो है ना किचन, इस पर फ्रिज है हमारा, तो फ्रिज पर ही मैंने इनको, ये मैग्नेट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है इसकी, तो ये यहाँ पे मुझे काम आता है, कुछ भी टांग देती हूँ। और इसी के साइड में यही मैग्नेट एक 2 पीसेस में आई थी, तो इस मैग्नेट को ना मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और इसको लगाने के बाद ये जो थैले हैं ना, जो सब्जियों के काम आते हैं, मार्केट से कुछ लाना होता है कि जो कि हम ना पॉलीथीन वगैरह यूज़ नहीं करते हैं अब, तो उसके लिए थैले मैंने सारे साइज़ के बना रखे हैं घर में कपड़ों से ही। कोई अब ये कर्टन का कपड़ा था, कर्टन वेस्ट हो गए, नहीं उनको यूज़ किया, बच गया, उनसे बना लिए कुछ वैसे हैं। और ये वाला पोर्शन है ना जो फ्रिज के ऊपर है, ये एक्चुअली फ्रिज छोटा था तो अभी स्पेस है, जब कभी फ्रिज बड़ा आएगा तो हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको छुड़वा दिया था। और ये जो है एक, ये भी है, इसमें पूजा के बर्तन है जो हम कम यूज़ करते हैं ना, और जैसे रख दिए तुरंत निकाल लिया, या जो भी बॉटल वगैरह हैं, तो ऐसे जो कम काम आती है ना चीज़ें, उनको हमने यूज़ कर लिया। अब मैं आपको इसका पूरा दिखाती हूँ एक सीट, फिर आप बताइएगा कि आपको किचन कैसा लगा। और ऊपर का बनाऊंगी किसी दिन। और हाँ, ये तो ये मेरा आटे का है, क्योंकि मेरे पास आटे की चक्की है घर पे ही, तो मैं आटा उसी मैं पीसती हूँ। तो कल मैंने ना बेसन बनाया था, उसको डब्बे में डाला है, अभी इसको ऊपर लेके जाऊंगी। और ये आरओ है, और इसमें ये दूध लेने जाते हैं ना, तो इसमें क्या है कि गाय के लिए रोटी या कुछ भी होता है तो मैं यहीं पे टांग देती हूँ, जिससे ये जाते हैं ना तो सुबह में लेके जाते हैं। तो सो गाइस, आप बताइएगा आपको कुछ क्या चेंज कैसा लगा है, क्या है। और अपनी समझ से तो हम अच्छा ही करते हैं, ठीक है ना, लेकिन सबकी पसंद भी अलग अलग होती है। तो हाँ, ये है, जैसे ये नैनो मैंने यूज़ किया है, तो थोड़ा केयर तो हर चीज़ की केयर करनी पड़ती है ना। ये सिलिकॉन पैड हैं, जैसे इनको रख दिया। और ये ना मेरी माइक्रोवेव की है चली, इसको मैंने जो स्टैंड यूज़ कर रही हूँ। और एक ये भी माइक्रोवेव की है, तो यहाँ पे भी यूज़ हो जाती हैं, जिससे गर्म चीज़ें इस पर नहीं रखते। हालांकि इस पर रख दो तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये इतना जल्दी ख़राब हो जाएगा, नहीं होता है, लेकिन फिर भी केयर तो आप करना ज़रूरी होती है, कि हम किसी चीज़ की जितनी केयर करेंगे वो उतना लंबा हमारा साथ देती है। तो भी पैसा लगा होता है चीज़, इससे ख़राब नहीं हम कर सकते। तो सो गाइस, थैंक यू, बाय।